हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने गोपाल जी के लिए इस तरह की पगड़ी बनाना सीखेंगे। ये मैंने अपने ड्रेस के मैचिंग की पगड़ी बनाई है। इसमें मैंने जो मैं अपने ड्रेस में तीनों कलर लगाए थे वो तीनों कलर मैंने इसमें पंख में बनाए हैं। आगे एक तरफ इसमें मैंने दो पैचेस लगाए हैं। चलो मामा जी, इस तरह की पगड़ी बनाना सीखते हैं। ये पगड़ी बनाना शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलो हम अब इसे बनाना शुरू करते हैं। आज हम अपने ड्रेस के मैचिंग की पगड़ी बनाते हैं। इसके लिए मैंने एक कार्डबोर्ड के ऊपर, जो हमारा कार्ड होता है उसके ऊपर, एक 4.5x1.5 इंच की एक पट्टी काट ली। हम इसे टैटून की भी काट सकते हैं और इसे अपने कान्हा जी के सर के नाप से मैं नाप के इसे यहाँ पे दोनों पीस को आपस में जोड़ देती हूँ। तो यहाँ पे हम फेविकोल या फैब्रिक ग्लू कुछ भी यूज कर सकते हैं। मैंने इसे यहाँ से दोनों पीस को आपस में मैं जोड़ देती हूँ और इसे ड्राई होने के लिए रख देती हूँ। हमें राउंड ड्राई हो जाता है। ड्राई होने के बाद हम इसमें सेंटर में जो राउंड है उसको हम पेन से ट्रेस करके काट लेते हैं। एक राउंड तो मैं अंदर की तरफ से काटती हूँ और दूसरा राउंड में बाहर की तरफ से काटती हूँ। इस तरह मैं इसमें दो राउंड काटूँगी। हमने दो राउंड काट लिए। जब हमने राउंड लिया उसके ऊपर हम आधा इंच के ऊपर एक निशान लगा लेते हैं अपने पेन से, आधा इंच के ऊपर। और जैसे हमने अपने पिछली वीडियो में बारीक बारीक कट किया था उसी तरह यहाँ भी कर लेते हैं। जहाँ निशान लगाया वहाँ हल्का हल्का सा इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेते हैं। इस तरह कर लेते हैं और इसके ऊपर हम बाहर की तरफ जो निशान काटा था उसके ऊपर से लगा के हम चिपका देते हैं। इस तरह हम इस किसी चीज़ के नीचे इसे थोड़ा सा दबा के फिर चिपका देते हैं और जो हमने जो दूसरा पीस काटा था वो हम अंदर की तरफ चिपका देंगे इसमें। हम इसे ड्राई होने के लिए रख देते हैं। ड्राई होने के बाद जो एक्स्ट्रा पीस होगा उसे हम फिर बाद में काट लेंगे। अभी हमारा ड्राई हो गया है। ड्राई होने के बाद जो एक्स्ट्रा पीस है उसको हम काट लेते हैं। एक्स्ट्रा को हमने काट लिया है। उसके बाद हम एक पीस ग्रीन कलर के कपड़े का लेते हैं। ये सिल्क का कपड़ा लिया है मैंने, जो मैं इसके ऊपर फैब्रिक ग्लू से पेस्ट कर देती हूँ। मैं इसे फैब्रिक ग्लू से कपड़ा पेस्ट करने पर ट्रांसपेरेंट हो जाता है, फेविकोल से दिखाई देता है, इसलिए मैं यहाँ पे फैब्रिक ग्लू ले रही हूँ। साइड से मैं राउंड में काट लेती हूँ। बचे हुए पीस को हम हल्का सा कट कट कर लेते हैं, ऐसे इस तरह से कट कर लेते हैं साइड साइड से, जिससे हमको चिपकाने में सुविधा रहती है। इसमें सारे को कट होने के बाद इसे हम साइड से चिपका लेते हैं। तो एक एक पीस को चिपका लेती हूँ मैं। इस तरह मैंने इसे चारों तरफ से चिपका लिया है। अब हम इस तरह एक पट्टी लेते हैं जो मैं इसके चारों तरफ लगाऊंगी। तो इसके लगाने के लिए मैं इस पट्टी को ऐसे उल्टा लगाती हूँ इस तरह से। तो इसके ऊपर का किनारा किनारा है जो हम इसमें चिपका लेते हैं।
जो एक्स्ट्रा है उसे हम काट लेते हैं। थोड़ा सा छोड़ देंगे जो एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा, जिससे हमारा साइड का हिस्सा दिखाई नहीं देता। इस तरह मैंने ये कट कर लिया है। अब इसे हम थोड़ी देर ड्राई हो जाने देते हैं। अभी हमारा ड्राई हो गया है, इसको हम इस तरह नीचे की तरफ उल्टा कर लेते हैं, हल्का से इसे खींच लेते हैं, तो हमारी इस तरह से फिनिशिंग आ जाती है। इस पर पूरी तरह से इस पर फिनिशिंग आ जाती है। अब हम इसे आगे की तरफ से थोड़ा सा इस साइज का इसे तिकोना काट लेते हैं, जो हम इसे पेन से शान लगा लेते हैं, जिससे हमारा आगे का हिस्सा बन जाता है। अब हम वापस से ग्लू गन लेते हैं, अपने सॉरी फैब्रिक ग्लू लेते हैं, और इसके छोटे छोटे पीसेस करके हम इसे अंदर तक चिपका देते हैं। इस तरह एक एक पीस ले जाते हैं हम इसे अंदर तक। इस तरह हमारा ये ड्राई हो गया है। ड्राई होने के बाद हम इसे बॉल चैन स्टोन से इसे डेकोरेट करते हैं। जो हमने आगे की तरफ कटिंग की थी, वहाँ से हम इसे तिरछी साइड से हम बॉल चैन लगाना शुरू करते हैं। तो इसमें फैब्रिक ग्लू लगा लेती हूँ और अपनी पहली रो में इसमें बॉल चैन की लगा लेती हूँ। जो ऊपर का हिस्सा है, वहाँ से हम अपनी बॉल चैन लगाना शुरू करते हैं और राउंड में ले जाते हुए इसे आगे की तरफ, जहाँ पर हमने कटिंग की थी, उस कोने पर ला के अपनी बॉल चैन को कट कर लेते हैं। इस तरह हमने पहली रो लगा लिया, इस तरह हम ऊपर भी एक रो लगा देंगे। ये चाहे तो हम पूरी भी लगा सकते हैं, ये आधी दूरी पे भी लगा सकते हैं। तो मैं इसे आधी दूरी पे लगा रही हूँ, क्योंकि पीछे की तरफ हम अपनी जो पंख बनाएंगे वो लगाएंगे। अब जो हमने ये फर्स्ट रो लगाई है, इस रो के साइड में मैं इस तरह के राउंड स्टोन लेती हूँ, जो मैं चिपका देती हूँ उसके एक रो, और उसके बाद वापस से हम अपनी स्टोन चेन चिपका लेंगे। इस तरह मैं स्टोन चिपका लेती हूँ और फिर अपनी बॉल चेन की रो कंप्लीट कर लेती हूँ। अब ऊपर के हम पगड़ी के ऊपर के पंख बनाने के लिए हम ये ग्रीन कलर की ग्लिटर शीट लेते हैं। ये ग्लिटर शीट मैंने 2 इंच चौड़ाई के लिए और इसे 7 इंच में लंबाई की लेती हूँ। ये हम हमारी ड्रेस में जो हमने यूज़ की थी वो करते हैं। अब इस तरह इस ग्लिटर शीट को हम इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं, जैसे हम अपने नॉर्मल कपड़े को हम फोल्ड करते हैं ऊपर पंख बनाने के लिए, तो हम इसे फोल्ड कर लेते हैं, जिससे इसके ऊपर हल्का सा निशान पड़ जाता है। तो हम इसे सारी को फोल्ड कर लेते हैं, तो इस पर ये हल्के से निशान पड़ जाते हैं। अब इसके के ऊपर हम अपने जो अपनी ड्रेस में हमने सिल्वर कलर की बॉल चेन ली थी, वो इसके ऊपर हम लगाते हैं। बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं, जहाँ बाद में हम ड्राई होने के बाद अपने स्टोन लगाते हैं। तो इसमें 2 रो लगा देती हूँ। जो हमने अपनी पट्टी ली थी ग्रीन कलर की, उसके ऊपर मैंने बॉल चेन लगाई थी, और इस पट्टी को हम इस तरह से फोल्ड करते हैं। इस तरह से फोल्ड करते हुए नीचे की तरफ से मैं इसे हॉट ग्लू से चिपका लेती हूँ। जैसे मैं हॉट ग्लू से यहाँ चिपका लेती हूँ, तो पहले हम पीछे की तरफ से चिपकाते हैं इसे।
इसे हम आगे की तरफ फोल्ड करेंगे, फिर इसे पीछे से चिपकाते हैं। अब इसे वापस से आगे से चिपकाते हम, इस तरह से चिपकाते हुए हम पूरा कर लेते हैं। एक बार आगे से चिपकाएंगे, एक बार पीछे से, इस तरह में से पूरे को चिपका लेते हैं। इस तरह मैंने इसे और ग्लू से चिपका लिया है, लेकिन ये अपने जो हमारे ग्लिटर होती है वो थोड़ा टाइट होती है, तो पास पास ये अच्छे से चिपकती नहीं है, तो इसे खुलने का डर रहता है। इसलिए मैं इसे एक बार निडिल से भी इसे एक बार धागा लगा के इसे गांठ लगा देती हूँ, जिससे खुलने का डर नहीं रहता। तो नीचे की तरफ मैं इसमें धीरे धीरे निडिल डाल लेती हूँ सभी पीसेज में। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन धीरे धीरे करने से चली जाती है अंदर। हल्का सा नीचे से किसी चीज़ के सारा धक्का लगा के भी हम इसे ऊपर निकाल लेते हैं। इसके लिए हम बड़ी वाली सुई लेते हैं, मैंने बड़ी वाली सुई ली, हमारी निकल गई इसमें। अब इसमें यहाँ पे टाइटली गांठ लगा देते हैं, जिससे हमारा ये खुलने का डर नहीं रहता है। तो इसमें यहाँ पे टाइट से गांठ लगा देते हैं। फोम होती है तो ज़्यादा हम इसमें सुई नहीं डाल सकते, क्योंकि बार बार सुई डालने से फिर इसका कटने का डर रहता है। इसलिए हम एक ही बार सुई डाल के इसमें अच्छे से गांठ लगा देते हैं। इस तरह हमारी ये ऊपर से धीरे धीरे हम इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं, तो हमारी एक ये ऊपर की पंख तैयार हो जाती है। अब हम अपनी बाकी की दो भी हम तैयार कर लेते हैं इसी तरह ही। तो मैं दोनों तैयार कर लेती हूँ। इस तरह मैं अपनी पगड़ी के नीचे का हिस्सा कंप्लीट कर लेती हूँ। मैंने ये स्टोन लगा लिए, उसके ऊपर ये बॉल चैन लगा लिए, फिर मैंने इसके ऊपर एक स्टोन की रो लगाई है, फिर बॉल चैन, और फिर उसके ऊपर स्टोन की रो। पहली स्टोन की रो तो मैंने कंप्लीट लगाई थी, बाकी की दो स्टोन की रो को मैंने आगे आगे एक तरफ लगाई। पीछे की तरफ हम अपना बड़ी वाली पंख लगाएंगे, जो हमने ये ग्रीन कलर की पंख बनाई थी। अब इसी तरह मैं नीचे भी दो पंख और बना लेती हूँ, ब्लू कलर की और रेड कलर की। तो हमने जो बॉल चेन लगाई थी, उसके बीच में हमने अपनी ड्रेस में जो स्टोन लगाए थे, उस तरह के राउंड स्टोन लगा लेती हूँ। और जहाँ पे हमने ये इसको फोल्ड किया था, वहाँ वहाँ पे एक एक हम टीयर शेप के स्टोन लगा लेते हैं। इसी तरह मैंने ये ब्लू वाली बना ली है और ये रेड वाली। ब्लू वाली की लंबाई हमने 2 इंच ली थी और चौड़ाई हमने 7 इंच ली थी, सॉरी ग्रीन वाली की। फिर उसके बाद सेकंड वाली ब्लू वाली है, उसकी हमने लंबाई 1.5 इंच ली है और चौड़ाई मैं उसकी 6 इंच लेती हूँ। इसी तरह रेड वाली की लंबाई 1 इंच ली है और चौड़ाई मैं इसकी 5 इंच लेती हूँ। तीनों को मैं नीचे से हॉट ग्लू से चिपका के एक बार इस तरह से राउंड कर देती हूँ धागे से, जो बंधी हुई रहती है निडल डाल के। तो मैंने इनको ऊपर से भी हल्का सा राउंड कर दिया, तब ये यहीं की ये बंधी रहती है, क्योंकि हमारी ये ग्लिटर थोड़ा टाइट होता है तो फिर इसको निकलने का डर रहता है। इस तरह मैंने सभी चीज़ें बना ली हैं। इस तरह मैंने दो छोटे छोटे पैचेस भी बनाए। ये पैचेस बनाने के लिए मैंने एक ही राउंड स्टोन लिया, जो हमने इसमें स्टोन लगाए पग में, उससे थोड़ा बड़ा स्टोन लेती हूँ वाइट कलर का, और उसके चारों तरफ मैंने बॉल चैन का यूज़ करके ये दो छोटे पैचेस बनाए। तो मैं अपनी अब इसको सभी पीसों को अपनी इस पगड़ी के ऊपर अटैच कर देती हूँ। तो सबसे पहले हम अपनी रेड वाली पंख लेते हैं। अब इस पंख के ऊपर मैं नीचे की तरफ हॉट ग्लू लगा के अच्छे से हॉट ग्लू लगा देते हैं, क्योंकि हम ये थोड़ा टाइट रहता है इसलिए। तो बिल्कुल सेंटर में लगाऊंगी इसके मैं, सर मैं बिल्कुल यहाँ सेंटर में लगा देती हूँ उसके। अब इसी के ऊपर हम सेंटर में जैसे हमने लगाया, तो यहाँ आगे की तरफ यहाँ लगाई यहाँ पे, और ऊपर की तरफ यहाँ पे हम ये अपने दोनों पैचेस भी लगा देती हूँ। तो नीचे की तरफ तो मैं अपना रेड वाला पैचेस लगाती हूँ, और ऊपर की तरफ ही मैं ब्लू वाला पैच लगाती हूँ। इस तरह मेरे आगे की ये कंप्लीट हो जाती है। अब जो हम अपना ब्लू वाली पंख बनाई थी, उस पंख को मैं इधर साइड में लगाती हूँ इस तरह से, और जो ग्रीन वाली लगाई थी उसको इस तरह पीछे की तरफ लगाऊंगी मैं। और आप चाहें तो इसे यहाँ ऊपर साइड में भी लगा सकते हैं, जैसे आप चाहें। तो मैं पहले अपनी ब्लू वाली को लगा दे,
गिरने वाली को भी मैं ऊपर ही लगा देते हैं। इनको नीचे से हम थोड़ा सा इक्वल भी कर लेते हैं, जिससे हमारे जब हम इसको नीचे चिपकाएंगे अपनी पग पे तो ये थोड़ा बराबर रहती है, उबड़ खाबड़ नहीं होती। इससे हमारी ये प्यारी सी पग बन के तैयार हो जाती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।